गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर है। नाम से पता चल रहा है कि भाई वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वही तुम्हारा अबाउट द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखो, आपके पास कोई कंटेनर है, ये जो वेपर प्रेशर का जो दिस इज ए सरफेस फिनोमिना, एक सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर अक्कर होता है, ये हमेशा क्लोज कंटेनर होता है, वेपर प्रेशर उसी में बनेगा। कोई लिक्विड है, ये उसके मॉलिक्यूल्स को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एवोपरेशन। अब ये जो लिक्विड एवोपरेट हुआ है ये वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। और जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है, जो प्रेशर उत्पन्न हुआ है उसी को हमने बोला वेपर प्रेशर, मतलब कंडेंसेशन। और जब प्रेशर कब बनेगा, जब एवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों रेट क्या हो जाए आपके, इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये फिनोमिना आपका एवोपरेशन। तो यहां पे एक बात लिख देता हूं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इक्विलिब्रियम अबाउ द लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, उतने ही वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, लिक्विड में हो रहा है, ठीक है। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है आपका, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जिस पे आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर होता है, इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंटेनर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास एक बोतल है और बोतल में जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, एक बड़ा सा वेसल्स होगा उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सरफेस एरिया बढ़ता है, लेकिन क्या होगा जो वेपर प्रेशर होगा वो कंटेनर पे क्या नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो डिपेंड फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन कंटेनर या साइज। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है गिवन लिक्विड पे, कि आपके पास जो लिक्विड है वो उसका कितना वेपर प्रेशर है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप वाटर का लेते हो तो उसका वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, आप इथेनॉल लेते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, द नेचर ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड,
लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास एग्जांपल लूँ मैं, वाटर हो गया और आपके पास क्या हो, C2H5OH मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। अब क्या होगा, मिथेनॉल और वाटर, जब वाटर का हमें पता है कि भाई वाटर क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें भी क्या होती है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, क्या वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है आपके पास, एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है चार और सराउंडिंग से क्या होता है, वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है, अपने आइस स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लस वन में। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एच है, ये इससे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या मैं बोलूँ भाई इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होती है, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती है, इथेनॉल में क्या होती है, कम होती है, लेस होती है, और इस वजह से यदि ये लेस है, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी क्या होंगे, एवोपरेट होंगे, वेपर फेज में क्या होंगे, वेपर बनेंगे उसके जल्दी। लेकिन वाटर में क्या होता है, इसके जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू द इथेनॉल, वो क्या होती है, कम होती, ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे मोर करो, ठीक है, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, एवोपरेट होने में क्या होगा, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको वेपर फेज में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो जल्दी वेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। और यदि वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, तो उसको क्या होगा, वो जल्दी क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, यदि आपस में टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, टाइटली बॉन्डेड है, मतलब इनकी इंटरमोलिकुलर आपस में जो बंधे हुए हैं वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इनका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ये जो लिक्विड होगा, गीवन लिक्विड होगा, इसमें कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो इथेनॉल और वाटर होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इथेनॉल का क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वाटर। क्यों होगा, क्योंकि इथेनॉल होता है उसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, इस वजह से वो जल्दी क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, बंधा होता है, ठीक है, इस वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। थर्ड जो टर्म है वो आपकी है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एवोपरेशन भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, देखो टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो एवोपरेशन का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ही होगा ना, एवोपरेशन यही तो है, ये लिक्विड कितने वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर को इथेनॉल लिया आपने, ठीक है, जो अपनी स्पीड से क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, लेकिन आपने उस पर और आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हीट से क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और वीक हो जाएगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगी, लेस होगी, और वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाते हैं तो आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में ये बात थी, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। अब हमने क्या पढ़ना है,
कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एक को हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक हमारे पास वोलेटाइल होता है और एक हमारे पास क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल जो क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाएगा तुम्हारा वोलेटाइल, ठीक है। और जो वेपर में कन्वर्ट ना हो वो कहलाएगा तुम्हारा नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, एक बार के लिए देखो, नॉन वोलेटाइल विच डज नॉट चेंज इनटू वेपर, वोलेटाइल विच चेंज इनटू वेपर। यदि क्या हो रहा है, ये आपके पास गिवन लिक्विड, ये लिक्विड था वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, ए बोला था, ठीक है। क्यों प्योर ए क्यों बोला, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्योंकि यहां पे क्या है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेपर प्रेशर भी किसका आएगा, ए का आएगा। तो इसको बोला पी नॉट ए बोला, ठीक है। इस पी नॉट ए का मतलब क्या है, इस नॉन वोलेटाइल के लिए मतलब क्या है कि विच डज नॉट चेंज इनटू द वेपर, मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर के अंदर कन्वर्ट ना हो, और वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो गिवन लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर बना ही नहीं है, और जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और वोलेटाइल में क्या हो रहा है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो, चेंज इनटू द वेपर, तो डज नॉट इक्वल टू द जीरो। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। वोलेटाइल में एग्जांपल क्या होंगे आपके पास, वाटर हो गया, C2H5OH, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, टोइलीन, ये सब एग्जांपल किसके हैं आपके, वोलेटाइल के, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल में क्या होगा आपके पास, जनरली जो नॉन वोलेटाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, सॉलिड्स होते हैं, और जो वोलेटाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, जनरली क्या होते हैं आपके पास, लिक्विड होते हैं। हम जब भी यहाँ पे लिक्विड होगा ना, कि भाई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वो अंडरस्टूड होगा कि वो सॉल्यूशन कैसा आपके पास, वोलेटाइल है, कैसा सॉल्यूशन आपके पास, वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये हो गया वोलेटाइल, हाँ, इस पे एग्जांपल की बात कर रहे थे, एग्जांपल क्या होंगे इसमें, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये क्या करते हैं तुम्हारे, जब हम गिवन लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, इसको डिजोल्व करवाते हैं, तो ये क्या नहीं करते हैं, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये बोले जाते हैं तुम्हारे नॉन वोलेटाइल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सोलवेंट भी क्या है, वोलेटाइल है, तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। एक बार हम सोल्यूट को वोलेटाइल लेते हैं सेकंड में, और दूसरे में क्या लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, ठीक है, तब हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ठीक। दो टॉपिक बनेंगे कि एक बार सोल्यूट वोलेटाइल वोलेटाइल को मिक्स करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर बनेगा, एक बार एक वोलेटाइल को और एक नॉन वोलेटाइल को मिक्स करेंगे, ठीक है, तब वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल को मिक्स करने का हो सकता है नहीं, क्योंकि जब उनका वेपर प्रेशर जीरो ही है तो हो सकता है क्या, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब टॉपिक बनता है यहां से कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जैसे
किस प्रकार से काम करेगा हमारा ये, ठीक है, सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपके पास एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोलवेंट होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूशन। जो सोल्यूट होगा वो भी क्या आपके पास वोलेटाइल है, ठीक है, और जो सोलवेंट है वो भी क्या आपके पास वोलेटाइल है, दोनों ही क्या है वोलेटाइल है, ठीक है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास मिक्स करने पे कितना वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। डायग्राम से समझाता हूँ एक बार के लिए। ये मान लेते हैं आपके पास कोई, इसको जो सॉल्यूट होगा इसको हम बी से डिनोट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये लिक्विड ए है, ठीक है, बिग कंटेनर ए, और इस पे ये लिक्विड है, इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या रहता है, क्लोज कंटेनर रहेगा, तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा। क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, वेपर ऊपर वापस नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, और कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा क्लोज कंटेनर रहेगा, ठीक है, और इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, पी नोट ए, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्योर ए ही है ना, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब हम मिक्स कर रहे हैं बी के साथ, दूसरा कंटेनर ये है बी, ठीक है, ये भी क्या है, क्लोज्ड है, इसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, P नोट B रहेगा, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है, तो नया कंटेनर जिसमें क्या रहेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, किसके, A के भी और B के भी, A B A B A B, क्लोज कंटेनर, ओके। अब क्या हो रहा है कि देखो ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या इसका भी पी वेपर प्रेशर होगा, पी नोट ए होगा या बी का पी नोट बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि पी नोट ए होता है वो किसके लिए था, प्योर के लिए था, अब ये क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ द बी, क्योंकि दोनों में क्या हो गया भाई, दोनों को मिक्स किया है तो किस कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं है, प्योर तो नहीं है ना, ठीक है, जैसे इसमें हमने प्योर लिया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इसका ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई देखो अब क्या होगा, राउट्स ने इस पे ला दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया कि भाई पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ए, ए के लिए। उसके बाद क्या दिया कि भाई पार्शियल ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन काई, इसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, काई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पी ए प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या होगा, इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के ए। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की, हाउ फाइंड के, ठीक है, तो प्योर कंपोनेंट लेट अस कंसीडर प्योर ए, प्योर सिर्फ और सिर्फ क्या हो कंपोनेंट में के, सिर्फ और सिर्फ प्योर ए हो तो क्या होगा तुम्हारे पास, एक्स ए इज इक्वल टू ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन, ये जो था तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन,
इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ी थी, यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमेशा इक्वल किसके होता है, वन के इक्वल है। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज वन है तो बी के लिए क्या होगा, जीरो होगा। टोटल कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू के वन, पी ए इज इक्वल टू के। देखो अब ये क्या हो रहा है कि भाई हम क्या ले रहे हैं, ए कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट ले रहे हैं। ए कंपोनेंट ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा कि भाई ये जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, इसका प्योर के लिए क्या होगा, पी नोट ए होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, पी नोट ए इज इक्वल टू के, और इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के, ये स्थान पे क्या लिखोगे, पी नोट ए और का ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से समझ में नहीं आता बच्चों को, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। लेट अस, ये जब हम वैल्यू फाइंड आउट करने हैं किसकी, के की वैल्यू फाइंड आउट किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक प्योर कंपोनेंट मान लेते हैं कि वो हमारे पास वन है, एक्स मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन, और हमें पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा वन के इक्वल होती है, ठीक है। तो एक्स बी अंडरस्टूड कितना हो गया, जीरो हो गया, और इसकी वैल्यू एक्स ए की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख दी, हमने इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन, और पी ए इज इक्वल टू वन के, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक के लिए है तो क्या होगा, प्योर होगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर फॉर द प्योर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर द प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट एक्स, ठीक है। अब वैसे ही बात किसके लिए होगी, पी बी के लिए होगी, वो क्या होगी, पी नोट बी और एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आई कि भाई राउट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो राउट्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या प्रोडक्ट होता है, या इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं कि द पार्शियल, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द राउट्स लॉ, समझ में आया होगा आई होप। ये स्टेटमेंट किसके लिए है, राउट्स लॉ के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, मतलब ये सॉल्यूशन, ये ए का एक इंडिविजुअल का निकाला, इसका भी हमने बी का भी निकाला इंडिविजुअल, अब टोटल कितना होगा, टोटल का मतलब हम पी ए वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, तो क्या होगा हमारे पास, इस पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नोट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये यहां से कहां से आया आपके पास, ये आ गया आपके पास टोटल प्रेशर, ठीक है, या मैं बोलूँ कि ये डाल्टन लॉ से आया है। यदि हम एक कंटेनर के अंदर यदि हम बहुत सारी गैसेज है तो हमें सारों का पार्ट प्रेशर बताना है, तो हम उसको जितने भी उसके प्योर कंपोनेंट्स के जो प्रेशर होंगे उसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, टोटल प्रेशर आता है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, ठीक है। और राउट्स लॉ क्या होगा, ये वाला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप समझ में आया होगा ये बात भी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये अब तो क्या है तुम्हारे पास कि भाई आप इस सॉल्यूशन के अंदर इसका वेपर प्रेशर निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन क्या हो, जो वेपर हो रहे हैं, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका मोल फ्रैक्शन आप किस प्रकार से निकालोगे। यदि आपसे ए और बी इन दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो आप निकाल दोगे, लेकिन जो वेपर में कन्वर्ट हो गए ना, जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए, उसका मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, देखो अब इसको किस प्रकार से, एक और तरीके से लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू क्या था, टोटल प्रेशर पी नोट ए जीटा ए प्लस में पी नोट बी जीटा बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, इस बी की एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, करो पी टोटल, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको इस प्रकार से लिखें, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में आपको इस प्रकार से मिल सकता है। तो मैं बता देता हूं, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, एक्स बी के स्थान पे क्या लिखोगे, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नोट बी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, वन के साथ, तो पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, इस P नोट B को आगे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रीअरेंज करेंगे तो इक्वल टू P टोटल इक्वल टू, ठीक है, प्लस का ही है, प्लस का लिख लिया मैंने, बचा गया प्लस में ही था P नोट A एक्स ए माइनस P नोट B एक्स ए, P नोट B एक्स ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से पी नोट बी प्लस एक्स ए इसमें भी है और एक्स ए इसमें भी है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेने से क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू, सॉरी ब्रेक की स्टार्ट, बचे क्या क्या, पी नोट ए माइनस पी नोट बी और इज इक्वल टू पी टोटल। एक ये इक्वेशन भी होगा जिसका मैं यूज करना है।